सच नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बार आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विजय के वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5billionsales.com के अंदर आप किस तरह से KYC कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि KYC रिजेक्ट हो रहा है, और काफ़ी लोगों का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि अपना कोड, जो सीक्रेट कोड है, वो भूल चुके हैं, तो उसको कैसे लेना है काफ़ी लोगों को नहीं समझ आ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला है दोस्तों सीक्रेट कोड, और दूसरा है दोस्तों KYC किस तरीके से करना है और KYC क्यों करना अनिवार्य है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे नई वीडियो पब्लिश करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच पाए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं 5billionsales.com की ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के अंदर अकाउंट को ओपन करके रखता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है कि वो अपने जो सीक्रेट कोड है वो सबमिट करना भूल चुके हैं, यानी कि इनका जो सीक्रेट कोड है वो फॉरगेट हो चुका है, वो नहीं जानते कि सीक्रेट कोड कौन सा है, इसीलिए उनको ID ओपन करने में अभी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये जब हमने क्रिएट किया था तो इसका काफ़ी लोग से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे, काफ़ी लोगों को पहले याद होगा, लेकिन बहुत ही टाइम हो चुका है इस चीज़ को, क्योंकि एक साल आसपास होने वाला है 5billionsales.com को, और कभी ये हो सकता है कि कुछ लोग अपना एक कोड भूल चुके होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है गेट कोड बाय ईमेल, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, तो आपका जो ईमेल पे आपका कोड आ जाएगा, और उसी से दोस्तों इसका आप यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको अपना जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे दिया होगा उस पे दोस्तों आपको मेल मिल जाएगी, और दोस्तों यहाँ से आपका कोड आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों का सीक्रेट कोड याद नहीं है, जो लोग भूल चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आगे आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने सबमिट सीक्रेट कोड का ऑप्शन आएगा, और नीचे दोस्तों लिखा है गेट कोड बाय ईमेल, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और दोस्तों आपको सीक्रेट कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे मैं अपना सीक्रेट कोड सबमिट करके आपको बताता हूँ कि आप आगे कैसे आपको KYC सबमिट करना है, और क्यों जरूरी KYC है, और कैसे KYC करें ताकि आपका KYC रिजेक्ट ना हो। सो गाइज, यहाँ पे हमने सीक्रेट कोड डाल दिया है और यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने वेलकम मनी मेकर के ऑफिशियल पेज पे हूँ, और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे डू KYC नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यू लिखा है, स्टार्ट अर्निंग, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा जो इनकम दिखा रहा है $105 का अर्निंग टोटल दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको न्यूज़ पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे KYC का न्यूज़ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि KYC करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जी यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे होंगे KYC इज मस्ट, जी हाँ दोस्तों KYC जमा करना अनिवार्य है, और दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट मिला है इसकी सभी लोगों को KYC जमा करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप नहीं करते हैं तो आपका ID ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं KYC अब अनिवार्य है हर किसी के लिए, यानी कि सभी सदस्य को यहाँ पे KYC करना जरूरी है। यदि आपने पहले ही KYC जमा कर दिया है और यह स्वीकृत हो गया है तो इस केस किया जाएगा और आपकी KYC सबमिट नहीं पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप और अपडेट देख पा रहे होंगे कि नई KYC जमा करने के लिए समूह में आमंत्रित किया जाएगा, जो कि अधिक कठोर KYC की प्रक्रिया होने वाली है। सुरक्षा सुविधाओं के लिए आपकी ID को स्कैन और प्रूफ और प्रमाणित किया जाएगा, यानी कि सुरक्षा के लिए दोस्तों आपकी ID को यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं और प्रूफ के लिए इसको प्रमाणित करना पड़ेगा। इस KYC करने वाला व्यक्ति यहाँ पे मौजूद होना जरूरी है, यह साबित करने के लिए कि ये जीवंत है। ठीक है, यानी कि जिसकी भी KYC हो रही है वो व्यक्ति यहाँ पे जीवंत होना चाहिए। ठीक है, यदि आप KYC में विफल हो जाते हैं तो आपका डेटा बेचे और सबूत खाते बंद कर दिए जाएंगे। अगर आपका KYC किसी कारण रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि आप अपना प्रूफ नहीं कर पाते हैं, अपना स्कैन नहीं कर पाते हैं ID को, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी ID यानी कि इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा या यहाँ पे डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी KYC अगर रिजेक्ट होगी तो आपका यहाँ पे ID ब्लॉक होने वाला है। ठीक है, कोई भी खाता जो कट ऑफ तिथि तक KYC का अनुपालन नहीं करता है तो बंद कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको डेट दी गई है कि आपको यहाँ पे KYC करना है, और अगर उस टाइम के अंदर आप KYC नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका अकाउंट यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, और KYC दोस्तों बिल्कुल मुक्त है। अब दोस्तों डेट कौन सी है, डेट यहाँ पे आपने देखी 8/8/22 को सब KYC जमा करना जरूरी है, यानी कि 8/8 यानी 8वां महीना। ठीक है, तो दोस्तों ये डेट अभी चली गई है, जिन लोगों ने KYC नहीं किया होगा उनका ID फिर से ब्लॉक हो गया होगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये अपडेट है केवाईसी को लेके। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि केवाईसी करना कैसे है और सही तरीका कौन सा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि केवाईसी किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं अपने होम पे और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे केवाईसी का करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको केवाईसी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं केवाईसी का ऑप्शन हमें दिख रहा है अभी केवाईसी करें तो। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे केवाईसी विफल, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखो मैनेज केवाईसी यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे तीन यहाँ पे केवाईसी हमें करनी होती है। पहला है दोस्तों आईडी का सबूत देना है, यानी कि यहाँ पे आपको आईडी का सबूत डालना है। उसके बाद दोस्तों सेल्फी होल्डिंग आईडी आपको लगानी है और दोस्तों पते का प्रमाण देना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, किसी भी प्रकार के सदस्य में यहाँ पे केवाईसी विफल का दोस्तों यहाँ पे भी आपको लिखा देखने को मिल जाएगा कि किसी भी प्रकार के सदस्य के रूप में इस केवाईसी का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति पर केवाईसी आवश्यक है। यानी कि जो लोग यहाँ पे अकाउंट यूज कर रहे हैं सभी लोगों को केवाईसी करना आवश्यक है। अगर कमाई को स्वनियोजित कमाई के रूप में माना जाता है, आप अपने घर कर कार्य को अपनी आय की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं, हम टैक्स काटने या का आपकी कमाई का रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों अब करना कैसे है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आईडी सबूत पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हमने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना जो डॉक्यूमेंट है वोट, आपके पास पैन आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका जो इलेक्शन कार्ड है यानी कि वोटिंग कार्ड है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है, वो आपका आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी का प्रमाण अपलोड करें, आईडी का प्रकार चुने, तो यहाँ पे अन्य पे आपको क्लिक करना है। अब आपके पास जो चीज़ें हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, आपका पहचान पत्र है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पासपोर्ट फोटो यहाँ पे डाल सकते हैं, या तो आप अन्य पे क्लिक कर सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे हमने लिखा है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड यहाँ पे आपको चूज़ करना है और फाइल के अंदर आपको जाना है। ठीक है, तो फाइल के जाके अंदर आपका जो भी आधार कार्ड है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना फोटो आधार कार्ड का लेके रखें और वो अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है हमारा ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सेल्फी होल्डिंग आईडी। ठीक है, तो आप एक बचाना यहाँ पे सेव कर लेना है आपको। ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे अपलोड करना बाकी है, मैंने किया था वो रिजेक्ट हुआ था, अब दूसरी बार हम कर रहे हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आईडी के साथ सेल्फी कैसे अपलोड करनी है, दोस्तों यहाँ पे आप जो भी आईडी अपलोड किया है यानी कि जो भी आपने चीज़ अपलोड की है, चाहे वो अपने आधार कार्ड किया है, चाहे आपने इलेक्शन कार्ड किया है, चाहे आपने अपना वोटर आईडी यहाँ पे अपलोड किया है, तो दोस्तों यहाँ पे वो आपको अपने पास लेके रखना है और अपने हाथों में और सेल्फी लेना है। सेल्फी लेना मतलब कि पीछे कैमरे से आपको सेल्फी लेना है। अगर आप आगे से लेंगे तो आपका जो आधार कार्ड या फिर आपका जो भी आईडी है जो उल्टा हो जाएगा और जो सही नहीं आएगा। ठीक है, या तो फिर आपको पहले फोटो खींच लेना है अपने बैक वाले कैमरे से। ठीक है, और हाफ आपको फोटो लेना है यानी कि अपनी आधी फोटो यहाँ पर ले लेनी है और उसको आप पहले चेक कर ले कि सही है, अपना जो आईडी दिया है वो सही दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फाइल पे जाके इसको अपलोड करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा, आपको आईडी सेकंड के अंदर आपको सेल्फी अपने जो भी आप आईडी प्रूफ आपने सेंड किया है उसके साथ ही आपको यहाँ पे सेव करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद दोस्तों पते का प्रमाण, यानी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पते का प्रमाण, तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी अपलोड किया है यानी आपने आधार कार्ड की जो भी फोटो है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक कंधर क्रेडिट कार्ड, फोन बिल, स्थानीय प्राधिकरण कर, विधेयक कर सूचना, तो आपके पास जो भी चीज़ है, अगर गैस का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो आप डाल सकते हैं। हमने डाल दिया था बैंक का, तो ये सक्सेसफुली हो चुका था माय डियर फ्रेंड, लेकिन अभी ये हट गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अपलोड करके इसको। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है और अपनी आईडी यहाँ पे केवाईसी सबमिट कर लेनी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों सही केवाईसी करने का प्रोसेस। और दोस्तों आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको केवाईसी का प्रोसेस करके भी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इसी तरह से होने वाली है केवाईसी। ठीक है, तो दोस्तों आप भी इसी तरह से केवाईसी कर ले, और जिन लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उस पर भी हम एक वीडियो बना ले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।